हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजत टेक्नोलॉजी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इसमें बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर यूएसए का ट्रैफिक किस तरह से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस से अपडेट रह सकें। इसी सीरीज का मैंने एक और वीडियो यहाँ पे बनाया था, हाउ टू टारगेट कंट्री स्पेसिफिक वेबसाइट ट्रैफिक, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें यूएसए और कनाडा के ट्रैफिक के लिए मैंने पार्ट वन ये बनाया था, पार्ट टू आज आपको बता रहा हूँ। तो इसके आज की ट्रिक को बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए वेबसाइट का, दूसरा वो इंग्लिश में होना चाहिए, कि अगर हिंदी में है तो फिर यूएसए कनाडा का ट्रैफिक आपको कैसे मिलेगा, खुद ही सोचिए, वहाँ पे हिंदी को कौन जानता है। तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपकी वेबसाइट पर एक टॉप लेवल डोमेन होना जरूरी है फ्रेंड्स। टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .co, .in, .uk वगैरह, इस तरह का कोई भी डोमेन आपको लगाना जरूरी है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट पर देखिए, यहाँ पे एक्सटेंशन लगाया हुआ .com डोमेन। इसके बाद में आपको एक वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल में भी डाल सकते हैं, यूएसए लिस्टिंग डायरेक्टरी, सबसे ऊपर ये वेबसाइट आएगी। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबमिट लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट का टाइटल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंक देना है, यूआरएल देना। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट का दीजिए, और अगर आप किसी पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं तो अपनी पोस्ट का दीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट को रैंक कराएं तो सबसे बढ़िया है। चलिए एक पोस्ट का हम यहाँ से ले लेते हैं, ये यूआरएल हम उठा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, आप अपने कीवर्ड पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे दे दें। मैं फिलहाल इतना दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे भी आपको कीवर्ड देने हैं, यहाँ पे भी आपको मेटा टैग कीवर्ड देने हैं अपनी पोस्ट से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपकी पोस्ट किस कैटेगरी में है। तो चलिए मैं टैक्स रिलेटेड टैग के दे देता हूँ, यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है उसको दे दीजिएगा, और आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलर लिंक, इस पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। ये सबमिट हो रहा है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको अपनी सभी पोस्ट के यूआरएल को एक एक करके यहाँ पर सबमिट करना है, और इस तरह से आप उसको यूएस डायरेक्टरी में आप इसको करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मेथड था यूएसए का ट्रैफिक लाने के लिए, और इसको करने से पहले आपको अपने सर्च कंसोल में जाके इंटरनेशनल ट्रैफिक के ऑप्शन में, सर्च ट्रैफिक में जाके आपको एक सेटिंग करनी होगी जो कि मैंने अपने इस वीडियो में बताई हुई है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, यूएसए और कनाडा का ट्रैफिक कैसे लाएं। इस ट्रिक को करने के बाद ही आप इस ट्रिक को कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतने, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।